हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नरगिस गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मास्टर थ्योरम से कैसे हम अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल अगेन डिस्कस अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन अ मास्टर थ्योरम कि कैसे हम अंडर रूट को सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज टी ऑफ एन इक्वल्स टू टू टी अंडर रूट एन प्लस लॉग एन। लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे प्लस में जो एफ ऑफ एन लिया था वो कांस्टेंट लिया था, इस केस में हम लॉग एन ले रहे हैं। नाउ इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ अ मास्टर थ्योरम। यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, तो मास्टर थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था आपको कि हम एजम्पशन लेते हैं, दो एजम्पशन में इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला एजम्पशन हमने ये लिया कि एन टू द पावर टू टू द n अपॉन टू टू दी पावर के इक्वल्स टू वन एज्यूम कर लिया, सो n इक्वल्स टू 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 दी पावर के आ गया। टेकिंग लॉग बोथ साइड सो लॉग n इक्वल्स टू k, सो k की वैल्यू मुझे मिल गई थी लॉग n। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं, कैसे k की वैल्यू लॉग n निकली। नाउ यदि मास्टर थ्योरम के बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो, क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करना नहीं आएगा यू कांट सॉल्व दी अंडर रूट रिलेटेड क्वेश्चंस। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं कि जहां जहां पर भी मेरा n है उसकी जगह n की वैल्यू टू टू द पावर k को सब्सटीट्यूट कर दूं। सो टी टू टू द पावर k इक्वल्स टू टू टी अंडर रूट n। सो n की वैल्यू मेरे पास क्या है, टू टू द पावर k, और अंडर रूट का मतलब यह है कि n जो 2 टू द पावर k है, मतलब अंडर रूट का मतलब यह है कि n टू द पावर 1 बाय 2, ये हो गया, प्लस log n की जगह एज इट इज जो भी n की वैल्यू है क्या है, 2 टू द पावर k। सो log यहां पे भी मैंने 2 टू द पावर k रख दिया। नाउ अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूं, सो 2t 2k डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये पावर का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो k बाय 2 आ गया, प्लस log 2 टू द पावर। नाउ ये वैल्यू निकल गई टी टू टू द पावर के की। अब मुझे ये देखना है कि अभी क्या मेरा क्वेश्चन मास्टर थ्योरम में कन्वर्ट हो गया, मास्टर थ्योरम के उस फॉर्म में। मास्टर थ्योरम की फॉर्म क्या है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी एन बाय बी प्लस एफ ऑफ एन। यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो मेरा मैं मास्टर थ्योरम से उसको सॉल्व कर सकता हूं। और ए की वैल्यू जहां पे ग्रेटर इक्वल्स टू वन है, बी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, एफ ऑफ एन जो है मेरा पॉजिटिव फंक्शन है। सो अब मैं चेक करूं, यदि मैं चेक करूं तो अभी भी मेरा ये क्वेश्चन उस फॉर्म में नहीं आया। सो नहीं आया तो अगेन क्या करूंगा मैं, मैंने दो एजम्पशन लिए थे, ये तो हो गया मेरा एजम्पशन नंबर वन। अब एज्यूम फिर से करूं, एज्यूम एजम्पशन नंबर टू, जो टू टू दी पावर टी टू टू दी पावर के है उसकी जगह मैंने एस ऑफ के एज्यूम कर लिया। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने यही किया था और मैंने ये भी बताया था इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मास्टर थ्योरम से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ टी टू टू दी पावर के जहां जहां है उसकी जगह एस ऑफ के रख दें, तो टी टू टू दी पावर यहां पे है तो एस ऑफ के इक्वल्स टू टू टी टू टू दी पावर के जिसकी जगह मैंने रख दिया एस ऑफ के, लास्ट वीडियो में हमने करा था, और डिवाइडेड में 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस लॉग लॉग 2 टू द पावर के एज इट इज, क्योंकि t 2 टू द पावर k को s ऑफ k अज्यूम किया था ना कि 2 टू द पावर k को। तो t 2 टू द पावर जहां पे भी था k उसकी जगह हमने s ऑफ k रखा है ना कि 2 टू द पावर k की जगह। नाउ अब इस क्वेश्चन को यदि मैं देखूं तो क्या ये मास्टर थ्योरम में कन्वर्ट हो चुका है, यस कन्वर्ट हो चुका है। और मैं ये एजम्पशन लेकर चलूं कि ये मानूं कि ये भी बेस में भी 2 है, यदि बेस में भी 2 है और बोथ बोथ इक्वल, यहाँ बेस भी इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल है, यदि यहाँ भी 3 होता यहाँ भी 3 होता तो लॉग की वैल्यू 1 हो जाती, तो इस केस में के बाहर आ गया, तो इस केस में मेरा क्वेश्चन बन गया 2 एस के बाय 2 प्लस के, ये क्वेश्चन मेरा बन गया एस ऑफ के इक्वल्स टू। नाउ अब इस क्वेश्चन को, इस फॉर्म को यदि मैं कंपेयर करूं इस फॉर्म से, तो ये क्या मेरा मास्टर थ्योरम के फॉर्म में आ गया, यस ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू भी 2 आ गई, एफ ऑफ एन की वैल्यू एफ ऑफ एन इस केस में एफ ऑफ के इक्वल्स टू के आ गया। तो मैं सॉल्व कर लूं इसको, सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करता था, एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी, यहां पे के फॉर्म में क्वेश्चन है तो के टू दी पावर लॉग ए बेस बी 2 बेस 2, तो यहां पे क्या आ गया के, क्योंकि ये हो गया 1। अब इन दोनों को चेक करूं एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन को, तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो मैंने मास्टर थ्योरम का केस नंबर 3 डिस्कस किया था, इफ
एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन बोथ आर इक्वल, मतलब टीटा वाला केस था, तो उस केस में हम एक लॉग एन से एक्स्ट्रा लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट केस नहीं पता है तो मेरा मास्टर थ्योरम वाला फर्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। नाउ बोथ आर इक्वल, तो इस केस में हो गया आपका एस ऑफ के इक्वल्स टू थीटा ऑफ बोथ आर इक्वल, तो के मल्टीप्लाई बाय लॉग के, एक एक्स्ट्रा लॉग से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट एस ऑफ के फॉर्म में तो मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन टी ऑफ एन के फॉर्म में था, तो इसको मुझे टी ऑफ एन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एस ऑफ के की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, यदि इस क्वेश्चन को वापस उसी फॉर्म में लाऊं, तो टी टू टू दी पावर के इक्वल्स टू थीटा, के की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, तो के की वैल्यू मेरे पास यहां पे लिख ली है लॉग एन, सो लॉग एन, लॉग के की जगह क्या लिख सकता हूं, लॉग एन। नाउ 2 टू दी पावर k को क्या लिख सकता हूं मैं, n, तो यहीं पे यदि मैं चेंज कर दूं, सो t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा log n log log n, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, और दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन, थीटा log n log log n। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया सब्स्टिट्यूशन मैथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, नाउ हम मास्टर थ्योरम पे गए, मास्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड और मास्टर थ्योरम दोनों से जिस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर इन दोनों से सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव ट्री मेथड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकर्सिव ट्री मेथड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। थैंक यू सो मच।